तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका अपना अनिकेत अवस्थी और आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस। और जो हम प्रीवियस वीडियो को आगे बढ़ा रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पार्टनरशिप की मीनिंग और पार्टनरशिप के फीचर्स को देख लिया था। क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ के फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर नंबर 2 को हम लेकर चल रहे हैं। ये वीडियो नंबर 5th है और स्टार्टिंग के 4 वीडियोज़ में बहुत कुछ मटेरियल हमने क्लियर कवर कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, देख लीजिएगा। तो यहाँ से पार्टनरशिप की मीनिंग और फीचर मैंने प्रीवियस वीडियो में बता दिया था और मैंने आपसे कहा था कि अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्टनरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप के फीचर क्या होते हैं, ये कंप्लीट डिस्कशन प्रीवियस वीडियो में कर लिया है। और हमने देखा था कि पार्टनरशिप जो होती है वो दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स के बीच का एक वॉलेंटरी एसोसिएशन होता है, मतलब उनकी खुद की इच्छा से होता है, किसी रेगुलर बिजनेस को करने के लिए होता है। बिजनेस में अल्टीमेटली प्रॉफिट मतलब होना चाहिए, बिजनेस है तो प्रॉफिट ही होगा, उसको करने का मेन मकसद प्रॉफिट जनरेट करना होना चाहिए। किसी इल्लीगल पर्पज से की गई या किसी मतलब कि अगर हम बात करते हैं नॉन प्रॉफिटेबल कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए पार्टनरशिप नहीं हो सकती। मतलब पार्टनरशिप बिजनेस अगर हो रहा है तो पार्टनरशिप बिजनेस को करने का सीधा मतलब यह है कि पार्टनरशिप बिजनेस सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होगा। मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना होगा और वहां पे अपनी खुद की इच्छा से दो या दो से ज्यादा पर्सन बन सकते हैं पार्टनर। किसी पर्सन को अगर हमने अपने बिजनेस के कामकाज को देखने के लिए अपॉइंट किया है एज एम्प्लॉई और उसे हम सैलरी वेजेस कमीशन या कुछ दूसरा फॉर्म में उसको हम रिवॉर्ड देते हैं तो वो पार्टनर नहीं है, क्योंकि उसे हम वहाँ पे प्रॉफिट में शेयरिंग नहीं दे रहे हैं, वो हमारे बिजनेस का एम्प्लॉई हो सकता है। तो पार्टनर वो है जो बिजनेस में प्रॉफिट में शेयर रखता है। तो पार्टनरशिप में इन सारी बातों को हम पढ़ चुके हैं। पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर होता है। हमने फीचर्स देख ली थी और आज यहाँ पे पार्टनरशिप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। क्या एडवांटेज मिलेगा जब हम पार्टनरशिप बिजनेस को करेंगे, तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ लिया जिसमें एक अकेला पर्सन बिजनेस कर रहा था, हमने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पढ़ लिया और अब ये है पार्टनरशिप। तो इसमें हमें यही जानना है कि पार्टनरशिप बिजनेस को करने के भला फायदे क्या हैं, क्यों पार्टनरशिप बिजनेस करना चाहिए, आइए देखते हैं। इजी टू फॉर्म, पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। हमने फीचर्स में भी देखा था कि फॉर्मेशन मतलब पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए इसका बहुत बड़ा एडवांटेज यह है कि आपको बहुत लीगल वर्क या पेपर वर्क या बहुत सारी फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है। दो या दो से ज्यादा पर्सन जो है वो चाहकर अपने बिजनेस को अगर लगता है कि नहीं यार हम अकेले बिजनेस करेंगे, वो अकेले बिजनेस करेगा तो मैं उसे कॉम्पीट करूंगा, वो मुझे कॉम्पीट करेगा, एक दूसरे के कॉम्पिटिशन को दूर भी कर सकते हैं अगर हम पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं। साथ में दोनों की कैपिटल लगेगी तो एक बड़ी कैपिटल दिखेगी, दोनों का दिमाग लगेगा। तो पार्टनरशिप बिजनेस टू और मोर पर्सन के बीच का एक वॉलंटरी एसोसिएशन है, खुद की इच्छा से है, जिसमें अल्टीमेटली बिजनेस करना है, बस यही चाहिए पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए। पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 कंपलसरी नहीं है, फिर भी एक सजेस्टिव फॉर्म में होता है कि भाई हमें पार्टनरशिप बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। फ्यूचर में अनसर्टेन होता है फ्यूचर ना, तो फ्यूचर में कहीं डिस्प्यूट ना क्रिएट हो जाए या कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे हमें उस टाइम लगे कि अरे हमने रजिस्ट्रेशन नहीं करा के गलती की, ऐसी गलती ना हो, रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, लेकिन कंपलसरी नहीं है। पर्सन चाहेंगे, मेंबर चाहेंगे बिजनेस शुरू करना और वो बस कैपिटल लगाएंगे, बिजनेस में अपने एसेट्स लगाएंगे और बिजनेस स्टार्ट कर देंगे, तो बहुत ईजी है, हम आसानी से कर सकते हैं। बैलेंस डिसीजन मेकिंग है, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप बिजनेस में कोई भी डिसीजन किसी एक पर्सन की विल और विश, उसकी खुद की इच्छा के बेसिस पर नहीं हो रहा। बिजनेस सबका है, जितने वहां पे पार्टनर हैं सभी बिजनेस में ओनरशिप राइट रखते हैं, सबका मालिकाना हक है और जो भी बिजनेस के लिए डिसीजन होगा, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा, बिजनेस के लिए जो भी एसेट परचेस की जाएगी, जो भी हम किसी को क्रेडिट देंगे, तो ये सबसे पूछ के होगा कि भाई बिजनेस में ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, आप लोग अग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। तो बैलेंस डिसीजन मेकिंग है, हम कोई ऐसा डिसीजन ले लें कि हम अकेले ले लें, बाकी पार्टनर से ना पूछें, ऐसा भी कई बार होता होगा लेकिन वो बहुत मतलब रेयर केसेस में होता होगा कि कोई पार्टनर था नहीं और डिसीजन लेना ज़रूरी था। अदरवाइज जो भी डिसीजन होंगे वो सारे पार्टनर से पूछ के होंगे और इसीलिए एक बैलेंस्ड डिसीजन, क्योंकि जब कोई एक पर्सन डिसीजन ले रहा होता है तो वो डिसीजन सही है कि गलत है इसे बताने वाला कोई नहीं होता है। लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस की सबसे बड़ी स्पेशलिटी, सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ जो भी डिस्कशन होगा, जो भी डिसीजन लिया जाएगा, वो आपस में सबसे डिस्कशन करने के बाद में एक कंक्लूसिव रिजल्ट निकलेगा और हाँ सब बोलेंगे कि नहीं भाई अब डिसीजन ठीक है, तो बहुत अच्छा है। बैलेंस डिसीजन मेकिंग के पॉइंट वास्तव में सच में देखा जाए तो बहुत अच्छा है। फिर लिखा है लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मैंने कहा ए भी पार्टनर बनना चाहता है,
अपना बिजनेस अकेले कर रहा था, बी भी कर रहा था, सी भी और डी भी, हमने इन सबको मिला दिया, क्लब टुगेदर कर दिया। इसके फायदे बड़े हैं, ए का खुद का बिजनेस करता तो वो बी को कॉम्पीट करता, सी उसका कॉम्पिटिटर बनता, डी भी उसका कॉम्पिटिटर बनता। हमने कहा नहीं नहीं, चारों मिलकर बिजनेस करते हैं। चारों ने अपनी खुद की सहमति जताई, वॉलंटरली एसोसिएटेड हुए, पैसा लगाया, बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे के बीच में ईगो क्लैश भी नहीं हो रहा है। और ऐसा करने से इन चारों के बीच का कॉम्पिटिशन दूर हो गया है। अब ये चारों मिलकर एक बहुत बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे जो किसी और थर्ड पार्टी को अच्छा कॉम्पीट मतलब अच्छा कॉम्पिटिशन दे पाएंगे। चारों ने कैपिटल लगाई है बिजनेस करने के लिए, चारों फंड लगाए हैं। अकेले बिजनेस करते तो शायद थोड़े पैसे से करते, लेकिन वही थोड़ा पैसा जब चार या ज्यादा लोगों के बीच में मिल जाएगा तो एक लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज बन जाएगा और बिजनेस फर्म और बड़े स्केल में बिजनेस करके ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएगी। तो बहुत अच्छा पॉइंट है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हां, हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस बहुत सारे पर्सन इसीलिए करते हैं कि उनके पास में बिजनेस के आइडियाज़ तो होते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस भी होता है कि हम बिजनेस अच्छे से कर लेंगे, लेकिन उनके पास में फंड की कमी होती है। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि चलो भाई आप किसी दूसरे पर्सन से बातचीत कर लो कि चलो यार मिलके बिजनेस करते हैं, आप भी पैसा लगाना, मैं भी पैसा लगाऊंगा। तो लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ये पॉइंट बहुत अच्छा है। और हाँ, ऐसा होता भी है। इसके अलावा लिखा रिस्क शेयरिंग, जितना ज़्यादा फंड हमारे पास होगा उतना ही हमारे लिए रिस्क भी होगा। ठीक है, हमने पढ़ा कि लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, हम बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेंगे, अल्टीमेटली उस पैसे को हम अपने बिजनेस में डालेंगे और बिजनेस तो अनसर्टेन होता है। देखिए, बिजनेस हम करते इस पर्पस से हैं कि हमें बिजनेस में प्रॉफिट होगा, लेकिन बिजनेस में कई बार प्रॉफिट ना हो गया, लॉस भी हो सकता है, ऐसा कई बार हो भी जाता है। लॉस हो गया, अकेला बिजनेस अगर ए कर रहा होता तो पूरा लॉस किसका होता, ए का होता, बी करता है, एंड सो ऑन। तो जो बिजनेस करते अकेले पूरा लॉस उसी को बियर करना पड़ता, लेकिन नहीं, यहां पर तो भाई सारे लोगों ने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा है, उनका जो प्रॉफिट या लॉस बांटने का जो एक परसेंटेज था, जो रेशियो था, वो लोगों ने अपनी पार्टनरशिप डीड में पहले से जब एग्रीमेंट किया था उसमें लिख लिया था। तो रिस्क शेयरिंग है, जो भी लॉस होगा वो लॉस किसी एक के मत्थे नहीं चढ़ेगा, सारे पार्टनर जो होंगे उनके बीच में थोड़ा थोड़ा जो भी उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया होगा, परसेंटेज डिसाइड किया होगा, उसी में प्रॉफिट और उसी परसेंटेज में लॉस भी भरपाई करनी पड़ती है पार्टनर्स को। तो रिस्क शेयरिंग भी है, किसी एक के ऊपर में सारा बर्डन आने वाला नहीं है। इसके अलावा लिखा है सीक्रेसी, पार्टनरशिप बिजनेस में जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसे जनरल पब्लिक में इशू करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कंपनी पढ़ेंगे, अभी हमारा एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी भी है, उसमें कंपनी तो अपने जो अकाउंट्स हैं, डिटेल्स हैं, वो सारी पब्लिक के साथ, आम जनता के साथ शेयर करती है, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट नहीं कहती कि आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आप अपने जो आपने अकाउंट्स बनाया उसे आप निकाल दो, जनता को दिखा दो, पब्लिक को, कस्टमर्स को दिखा दो, नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। इसका मतलब ये है कि बिजनेस में जो कुछ हो रहा है वो किसे पता है, वो पता है सिर्फ बिजनेस के पार्टनर्स को। कोई ऐसा धमाका करना है, कोई ऐसी नए प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है, या कुछ ऐसी नई स्ट्रेटजी, नई पॉलिसी, नया हमने प्लान तैयार किया है जो मार्केट में लॉन्च करते ही हमारा बिजनेस धूम मचा देगा, हम अपने कॉम्पिटिटर को डिफीट कर पाएंगे, उससे बहुत आगे निकल जाएंगे। अल्टीमेटली हमें ये कोशिश करनी भी चाहिए कि हम हमेशा अपने कॉम्पिटिटर से दो कदम आगे सोचें, जितना वो सोचता है उससे बहुत आगे सोचने की कोशिश करें, और ये चलता रहेगा। जब हम अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा सोचेंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर भी हमसे ज़्यादा सोचेगा, तो ये एक रेस लगातार चलती रहती है और इस रेस में हमें भी पार्टिसिपेट करना है। सीक्रेसी इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि बिजनेस में जो पार्टनर्स हैं वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को किसी थर्ड पार्टी को नहीं बताते, आपस में सारे पार्टनर्स बिजनेस के अंदर ही डिस्कशन करते हैं। जो अकाउंट्स बनते हैं वो भी जनरल पब्लिक में, आम जनता के सामने नहीं रखे जाते हैं। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ, वो सिर्फ पार्टनर्स को ही पता होता है, और इसीलिए बिजनेस की इंफॉर्मेशन किसी आउटसाइडर के पास में लीक नहीं होने पाती है। और इसके बड़े सारे फायदे मिलते हैं कि हम जो भी काम करते हैं वो फटा पोस्टर निकला हीरो टाइप का काम होता है, कि बहुत अच्छे से प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद में मार्केट में उतरते हैं और धूम मचाते हैं। तो ये बहुत सीधा सा पॉइंट है, सीक्रेसी मतलब अपने अकाउंट्स का मार्केट में लीक ना करना। अब कोई पार्टनर कर दे, अभी डिसएडवांटेज में पढ़ेंगे तो अलग बात है, नहीं ऐसा होता नहीं है, तो पार्टनर्स मेंटेन करते हैं और बिजनेस सीक्रेट से एडवांटेज लेते हैं अपने कॉम्पिटिटर से। तो एडवांटेजेस बड़े सारे हैं, एडवांटेजेस के साथ बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस्ड भी होते हैं पार्टनरशिप बिजनेस को करने के लिए।
एवरीथिंग हैज टू साइड भाई, अच्छा हो रहा है तो खराब भी होगा, और खराब भी हमें जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि बस अच्छा है अच्छा ही देख के हम पार्टनरशिप बिजनेस में कूद पड़े कि चलो बिजनेस करते हैं। डिसएडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं। अगर लिखा है तो पहला डिसएडवांटेज अनलिमिटेड लायबिलिटी। जी हाँ, ये एक बड़ा डिसएडवांटेज है पार्टनरशिप बिजनेस को करने का। जैसे यहाँ पर अगर ए बी सी डी पार्टनर हैं और मैं कह रहा हूँ कि टोटल जो फर्म की लायबिलिटी है वो 10 लाख रुपीज है, जब हम इन चारों को कलेक्टिवली बात करते हैं तो उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, और जब हम इंडिविजुअली बात करते हैं तो उसे हम पार्टनर्स कहते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म मतलब जो उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया है उसकी टोटल लायबिलिटी 10 लाख रुपीस दिखाई दे रही है। अब इस 10 लाख रुपीस की भरपाई करनी है तो इनका जो रेशियो होगा 30% 40% या जो भी होगा, बराबर बराबर होंगे पार्टनर जैसा भी होगा, उस रेशियो में ये लायबिलिटी की भरपाई करेंगे। लेकिन इन केस यहां पर अगर डी की डेथ हो जाती है, बी सी छोड़ के भाग जाता है तो ए और बी बचे हैं, या अगर चारों हैं भी और बिजनेस की एसेट से आप लायबिलिटी 10 लाख रुपीस का पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई पार्टनर ए बी सी डी अपने घर जाओ, अपनी पर्सनल एसेट्स को बेचो, वहां से पैसा लाओ और इस लायबिलिटी का पेमेंट करो। अनलिमिटेड वर्ड का मतलब आपको समझ रहे हैं, अनलिमिटेड वर्ड का मतलब होता है कि बिजनेस की जो लिमिटेशन है वो तो लिमिटेड है ना, बिजनेस से अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो, लेकिन बिजनेस के अलावा भी अगर बिजनेस की लायबिलिटी का पेमेंट करने का जुगाड़ नहीं हो रहा है तो जहां से भी जुगाड़ हो वहां से करके पेमेंट करनी है, और इसीलिए हम कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब हमने बिजनेस के सारी एसेट्स बेच दी कि हमें 10 लाख रुपीस का पेमेंट करना है, ये मशीन बेचो, ये सोफा बेचो, ये फैन बेच दो, ये एसी बेच दो, ये काउंटर बेच दो, इसके बाद भी हमारे पास अगर पैसे की कमी पड़ रही है तो भाई ए बी सी डी अपने घर की एसेट्स बेचो और पैसा लाओ, अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के पैसा लाओ और पेमेंट करो। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी यही है कि बिजनेस की लायबिलिटी पूरी नहीं हो रही है तो भी फर्क नहीं पड़ता है, लायबिलिटी की पेमेंट आपको करनी ही करनी है, और इसलिए पॉइंट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब यहां पे एक बात और देखिए, मैंने आपसे कहा कि सी और डी बिजनेस छोड़ के भाग गए, तो ए और बी ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं, हम सी और डी की लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। आप बिजनेस के अनलिमिटेड लायबिलिटी के दायरे में आते हैं, बाइंड हैं आप उसमें, बाउंड हो रखे हैं, और आप ए और बी को ही पूरा करना पड़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर बी भाग जाता और ए बचता है तो पूरी लायबिलिटी अब ए को बियर करनी पड़ेगी। ये एग्रीमेंट जब साइन हो रहा था, जब वो पार्टनर्स बन रहे थे, उस टाइम पे चारों को ही ये बात पता थी कि लायबिलिटी अनलिमिटेड है, और तभी उन्होंने ये रिस्क लिया था और बिजनेस में इन्वॉल्व हुए थे। बहुत सारे लोग इस पॉइंट की वजह से पार्टनरशिप बिजनेस नहीं भी करते हैं कि अरे यार लायबिलिटी बहुत सारी है, करेंगे कुछ नहीं फिर भी हमें बहुत सारी भरनी पड़ेगी, तो बहुत सारे लोग इस वजह से थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच रखते हैं और इन्वॉल्व नहीं भी होते हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब ये है कि अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस को बहुत बड़े लेवल पर, बहुत लार्जर स्केल में करना चाहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स की रिस्ट्रिक्शन है। नंबर ऑफ मैक्सिमम पार्टनर्स पार्टनरशिप एक्ट में तो जो है वो ज़्यादा डिफाइन नहीं किया गया है, कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि 50 और कुछ कुछ केसेस में 100 मेंबर्स तक हो सकते हैं। तो 50 मेंबर्स आप मोटा मोटा लेके चलिए, 50 तक ही पार्टनर हो सकते हैं। अब हमें और बड़ा बिजनेस करना है, मिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस का बिजनेस करना है, तो वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन की रिस्ट्रिक्शन है। तो यहां पर जो लिखा है कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हम कुछ गिने चुने लोगों के साथ ही बिजनेस करते हैं, और नॉर्मली जो होता है पार्टनरशिप बिजनेस ना, बहुत सारे लोगों के साथ बिजनेसमैन करना भी पसंद नहीं करते हैं, अपने कुछ बहुत ही खास लोगों के साथ बिजनेस करते हैं, और बिजनेस करके लिमिटेड रिसोर्सेज ही है जिससे वो बिजनेस करेंगे। बिजनेस को सर्वाइव भी करना है, प्रॉफिट भी कमाना है, बिजनेस की ग्रोथ भी करनी है, तो जो तीन एलिमेंट है प्रॉफिट के, सर्वाइवल प्रॉफिट एंड ग्रोथ, वो तीनों ही हमें पूरी करनी होती है, और इसीलिए रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड हो जाते हैं कि उसी से कमाना है और उसी से खाना है, तो ये हमारे लिए लिमिटेड रिसोर्सेज हो सकता है। कॉन्फ्लिक्ट्स, चार बर्तन जहां होते हैं वहां खड़खड़ाने की आवाज जरूर होती है, ये कहावत आप सबने सुन रखी है, ठीक ऐसा ही पार्टनरशिप बिजनेस में भी है। पार्टनरशिप बिजनेस में बिजनेस करने के टाइम, या जब पार्टनरशिप बिजनेस का फॉर्मेशन हो रहा था, जब पार्टनरशिप बिजनेस बन रही थी, तब ए बी सी डी बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। ये फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ये फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, रिलेटिव भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ये मतलब मैं कहूँ कि ए है फादर और बी सी डी उसके सन है, या उसकी डॉटर है, या उसकी वाइफ है, या उसके फ्रेंड है, रिलेटिव से कुछ भी हो सकते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस में ये नहीं है कि आप फैमिली में हैं तो आप पार्टनर नहीं बन सकते, बन सकते हैं। तो यहां पे भाई सबकी अच्छे से पटरी खा रही थी, सब अच्छे से बातचीत करते थे, लेकिन बिजनेस करते करते
बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स हो गए, कई सारे लड़ाई झगड़े होने लगे, ईगो क्लैश होने लगा, और ऐसे में कन्फ्लिक्ट की कंडीशन क्रिएट हो सकती है, 100% हो सकती है, 21st सेंचुरी में तो हो ही सकती है। तो यहाँ पे कन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो सकता है, ये एक डिसएडवांटेज है। कोई पार्टनर इस बात की डिमांड कर सकता है कि नहीं नहीं बंद करो पार्टनरशिप बिजनेस, बंद करो इसे, हमने जैसा सोचा था वैसा नहीं हो पा रहा है। तो कई तरीके के यहाँ पर हो सकते हैं कन्फ्लिक्ट्स, और हो सकता है बिजनेस बंद भी करना पड़ जाए। लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब होता है कि अब कुछ पार्टनर्स का मन नहीं है कि बिजनेस नहीं करना है, तो उनके चाहने से भी बिजनेस बंद हो सकता है, क्योंकि वॉलेंटरली वो अपनी खुद की इच्छा से आए थे, तो खुद की इच्छा से बिजनेस छोड़ भी सकते हैं, और बिजनेस छोड़ देंगे फिर बिजनेस में बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज अराइज होंगे। भाई वो बिजनेस छोड़ेंगे तो अपनी कैपिटल जो उन्होंने लगाई थी वो भी ले जाएंगे, तो हो सकता है आप कम फंड से बिजनेस कर पाना पॉसिबल ना हो, ये हो सकता है। बिजनेस में आप लैक ऑफ कंटिन्यूटी का मतलब ये भी हो गया कि भाई अगर दो ही पार्टनर थे, एक पार्टनर की डेथ हो गई या वो बिजनेस नहीं करना चाहते, तो अकेला जो बचा हुआ पार्टनर है वो तो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर कहलाएगा ही नहीं, वो तो सोल प्रोवाइडर कहलाएगा। ऐसे में पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई, तो बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, और इस वजह से भी हमारी पार्टनरशिप फर्म की जो कंटिन्यूटी है, जो चलने चलती है पार्टनरशिप फर्म, उसकी कंटिन्यूटी ब्रेक हो सकती है। ये एक अच्छा पॉइंट है इसके डिमेरिट्स में, लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। अभी हमने देखा कि पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग जो पार्टनर्स ने अकाउंट्स तैयार किए हैं अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, उसे हम जनरल पब्लिक के सामने, मतलब जनता के सामने नहीं शेयर करते, नहीं वहां पे इशू करते। ऐसा करना पार्टनर्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जनता का, मतलब पब्लिक का, पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है वो कम है। पब्लिक कैसे हमारे साथ डील करे? अब पब्लिक में सप्लायर्स भी आते हैं, कस्टमर्स भी आते हैं, बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स भी आते हैं, वो हमसे जुड़ना तो चाहते हैं लेकिन वो हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के स्टेटस को नहीं जानते हैं। और होता ये है नॉर्मली कि भाई अकाउंट्स देख लिए, अच्छा अच्छा इतना टर्नओवर, इतना आ रहा है, इतना जा रहा है, तो वो देख के समझ जाते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम अपने अकाउंट्स इशू ही नहीं करते हैं, उसे सीक्रेट रखते हैं, सीक्रेसी मेंटेन करते हैं, तो लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, पब्लिक का भरोसा पार्टनरशिप बिजनेस में ज़रा कम होता है। लेकिन आपको सच बताऊँ, ये सिर्फ पॉइंट लिखा है, ऐसा नहीं होता है, बहुत प्रैक्टिकली सब कुछ चलता है और वो दिखता है, इट शोज़ कि बिजनेस अच्छा चल रहा है, तो ये लोग अच्छे हैं, वो सब कुछ दिख जाता है। और लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस एक वजह बन जाती है कि हम अपने शेयर, अपने अकाउंट्स नहीं पब्लिक के सामने शेयर करते। और रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी में हमने पहले जो फीचर्स पढ़ा था उसमें एक पॉइंट पढ़ा था, यहाँ पे देखेंगे म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। एजेंसी क्या होती है ये एक बार फिर आपको बताता हूँ, मैंने आपको फीचर्स में बताया है। एजेंसी का मतलब होता है जहाँ पर किसी दो पर्सन के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशन हो। एजेंट मतलब उससे नीचे वाला, और प्रिंसिपल मतलब उस टाइम पर वो मुखिया बन जाता है। तो जब कोई ऐसा रिलेशन डेवलप हो जाए कि मैं सुपीरियर और एक मेरे से सबॉर्डिनेट का रिलेशन हो जाए, उसे हम एजेंसी रिलेशन कहते हैं। ए बी सी डी के केस में, पार्टनरशिप बिजनेस में, ए बी सी डी सेम टाइम में किसी एजेंसी के प्रिंसिपल कहलाते हैं और सेम टाइम में वो एजेंट भी कहलाते हैं। तो ये डिफरेंस क्यों है, इस डिफरेंस को समझिए। अगर कोई डिसीजन ए लेता है और उस डिसीजन में बी सी और डी को वो बाइंड कर लेता है, कोई उसने ऐसा डिसीजन लिया है जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, बहुत गेनफुल है, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, ऐसे बिजनेस के लिए सारे लोग अपना हामी भर देंगे। तो यहाँ पर एक एक कहने से बी सी डी ने उसमें हामी भर दी, अपनी एक्सेप्टेंस दे दी, तो यहाँ पर ए कहलाएगा बिजनेस का प्रिंसिपल, जबकि बाकी उसके कहलाएंगे एजेंट। मतलब ए के डिसीजन से बी सी और डी इक्वली बाइंड हो गए हैं, जो उसके डिसीजन को मानेंगे। ठीक ऐसा ही डिसीजन अगर बी लेता है तो ऐसे केस में बी कहलाएगा प्रिंसिपल, जबकि ए सी डी कहलाएंगे उसके एजेंट, एंड सो ऑन। सी लेता है तो सी प्रिंसिपल और ए बी और डी उसके एजेंट कहलाएंगे। ये एजेंसी रिलेशन है, ऐसा होता है पार्टनरशिप में। फिर ये डिमेरिट क्यों हुआ, रिस्क ऑफ म्यूचुअल एजेंसी। कई बार कुछ ऐसे डिसीजन ले लेता है पार्टनर जो बाकी पार्टनर के ना चाहते हुए भी ले लेता है, और ऐसे में मान लेते हैं डी उस डिसीजन से सेटिस्फाई नहीं था, लेकिन क्योंकि अब हमें लेना था और उसने ले लिया और बाइंड हो गया, या शायद उस दिन डी आया नहीं था बिजनेस करने और डिसीजन ले लिया गया, डी नहीं चाहता था कि ऐसा डिसीजन हो, लेकिन अब क्योंकि पार्टनरशिप बिजनेस की एक कंडीशन है कि जो डिसीजन कोई एक पार्टनर ले लेगा तो सारे पार्टनर्स उसमें बाइंड हो जाएंगे, और डी बेचारा ना चाहते हुए भी उस डिसीजन में, जिसमें कि वो कभी हामी भरता ही नहीं, अब उसे हामी भरनी पड़ेगी और उसे लायबल होना पड़ेगा। तो ये एक रिस्क है कि मेरे ना चाहते हुए भी कई बार ऐसे काम हो जाते हैं जो मैं करना भी नहीं चाहता था, सपने में नहीं सोचता था। तो ऐसे में एक जबरदस्ती की बाउंडेशन आ जाती है कि आपको भी वो मानना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट जो है वो म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का है, फ्यूचर में हमने देखा था।
तो ये एक बड़ा लिमिटेशन हो सकता है। और इन्हीं सारी वजहों से कोई एक मेंबर जो है वो पार्टनर बनने से थोड़ा सा हेजिटेट जरूर करता है, अगर वो अच्छे से सोचेगा तो करता भी है, और बहुत सारे नहीं भी करते कि चलो देखा जाएगा। तो ये मेरिट एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस या डीमेरिट्स अगर इसे हम कहें तो हमने देख लिए हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी पार्टनरशिप में सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है जो आप बोर्ड में देख रहे हैं, पार्टनरशिप में भी है, हमें टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म और टाइप्स ऑफ पार्टनर भी देखने हैं, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसे फैलाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट बनाता रहूं। जितने ज्यादा सब्सक्राइबर आप मेरे को देंगे, मैं आपके लिए उतना ही अच्छा कंटेंट आपके सामने परोसता रहूंगा, जैसे मेरा वादा है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलूंगा, प्यार अपना देते रहिएगा, बाय बाय।